एसोसिएशन एंड HCM के तत्वाधान में आज गांधी जी पे कार्यक्रम हुआ। बड़ा जान का हर्ष हुआ हमारे को, क्योंकि गांधी जी बाद ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस हो रही है। गांधी एंड इलस्ट्रेट बायोग्राफी, इसके ऊपर हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी एंड आई एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष DV गुप्ता जी हैं। DV गुप्ता साहब, आज इन कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ रही है और आपने बताया कि आगे साल भर होते ही रहेंगे, तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता और अन्य जगह भी कार्यक्रम हो, इसके ऊपर दो शब्द भारत न्यूज़ फैन। देखिए, जो राज्य सरकार की तरफ से एक साल के लिए जो गांधी सेलिब्रेशन से 150 ईयर्स के, उनको एक्सटेंड किया गया है, यानी पूरे देश में तो ये 2 अक्टूबर 2018 से 19 तक मनाए गए और 2 अक्टूबर 19 से 2 अक्टूबर 20 तक एक साल राज्य सरकार ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया है। अब ये जो एक्सटेंड किया है, इसमें हम मीनिंगफुल अलग अलग गांधी जी के अनछुए पहलुओं पर, उनकी फिलॉसफी पर, उनके मार्गदर्शन पर, उनके जो प्रैक्टिकल सीख थी, उनके बारे में अलग अलग कार्यक्रम रख रहे हैं। 2 से 9 अक्टूबर के बीच में बहुत सारे, एक ये वीक मनाया गया था गांधी वीक, उसके बाद में स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, कई तरह के हमने उनके एस्पेक्ट लेकर के ये किए हैं। आज उसी की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके अंदर आज प्रमोद कपूर साहब ने अपनी ये जो गांधी जी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी वो लिखी है, उसके ऊपर एक बुक डिस्कशन था, जिसमें पुष्पेश पंत जी, जो कि पद्मश्री हैं और इसमें एक विख्यात गांधी जी के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन था और उस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से गांधी जी के बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर आज प्रकाश डाला गया, राइट फ्रॉम उनके जो बाल्यावस्था से लेकर के उनके बाहर के प्रवास, भारत से बाहर जो दक्षिण अफ्रीका वगैरह का जो था, उसके बाद जब वापस लौटे तो लगभग उनको महात्मा का दर्जा मिल गया था, फिर उन्होंने किस तरह से वहाँ पर अपने कार्यक्रमों को रखा, देश भर में घूमे, अपनी बातों को प्रचार किया, कई चीज़ों पे उनका विरोधाभास के बारे में भी बात आई, उनके विद इन अपने ही परिवार में उनके डिफरेंसेस की बात आई, तो कई प्रकार के इस तरह के अनछुए पहलुओं के ऊपर जो प्रकाश डाला गया। लेकिन घूम करके बात ही आई कि वो एक व्यक्ति ही नहीं, एक पूरी संस्था थे, एक पूरा दर्शन थे, जिनके ऊपर जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना चर्चा करेंगे, उतना ही कम है। और यही इस प्रकार के कार्यक्रमों की महत्ता है कि उनके मैसेजेस को हम पहुंचाएं। और अब एक इस जो हमारे एक साल के सेलिब्रेशंस हैं, इसमें गांधी इंस्टीट्यूट भी बनेगा, एक पीस एंड नॉन वायलेंस सेल भी बनेगा, इन सब के माध्यम से, और एक जो हाई पावर्ड कमेटी है जो CM की अध्यक्षता में है, और उसमें कई गांधीयन जो पुराने नाम हैं, सुब्बा राव जी वगैरह, उसमें सब आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम आगे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और ये कि ये परमानेंट एक तरह का फीचर होगा राजस्थान।